हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से फेब मंथ स्टार्ट होने वाला है और 14 फेब को वैलेंटाइन डे है। तो आज मैं बेसिकली वैलेंटाइन डे के ऊपर फ़ोटो एडिटिंग करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें टूल्स पे क्लिक करना है और इसको मतलब इस बैकग्राउंड को क्रॉप करना है। तो फिर हम जाएंगे, ये इंस्टाग्राम का जो आइकन मिला हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से मतलब अपने मॉडल की फ़ोटो लाएंगे। फिर अपना मॉडल और यहाँ से इसको सेट करेंगे अच्छे से। सेट कर लिया है। अब मतलब इसके हम अब शेडो बनाएंगे। तो शेडो के लिए हम पहले इसकी पोजीशन सही कर लेते हैं। इसकी हम पोजीशन रखते हैं 1 सही है। और हाँ, और इनकी मतलब ओबेसिटी और हार्डनेस 50-50 कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ से इसको हम डन कर लेंगे। डन करने के बाद अब हम गर्ल PNG लाएंगे, मतलब एक लड़की की फ़ोटो ये ले आया। और अभी मतलब इसको फ्लिप कर देंगे। ये करने के बाद हम अब इसको भी एडजस्ट कर देंगे अच्छे से। ये कर लिया। अब हम इसकी भी शैडो बनाएंगे। तो इसकी हम पोजीशन वैसे ही करेंगे जैसे पहले वाली की करी थी। अब इसकी भी हार्डनेस और ओबेसिटी 50-50 कर लेंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको और नीचे लेंगे। हाँ, अब यहाँ से इसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद हम फिर से एड फोटो पे जाएंगे और मतलब रोजेस के मतलब PNG लगाएंगे। तो ये कर लिया। हाँ, अब थोड़ा सा अब यहाँ से इसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद हम एक और PNG लगाएंगे, ये वाला, और इसको यहाँ से मतलब अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। ये कर लिया। अब यहाँ से इसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद अब हम एक फूल का PNG लगाएंगे, जो गुलाब का फूल है उसका। ये मतलब इसके हाथ में ऐसे एडजस्ट करेंगे जैसे ये पकड़ा हुआ है। ये वाला। अब यहाँ से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे जैसे ये लड़की को गुलाब दे रहा है। ये कर लिया। अब हम थोड़ा सा मतलब इसको इरेज करेंगे। अब यहाँ से इसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद अब हम एक वैलेंटाइन डे का टेक्स्ट PNG लगाएंगे। ये लगा दिया अपन ने यहाँ पे। अब यहाँ से इसको अब यहाँ से इसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद हम इस फोटो का रिसाइज करेंगे, मतलब साइज बढ़ाएंगे। तो हम साइज कर देंगे 2800। अब यहाँ से इसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद अब हम यहाँ से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इस फोटो को लाइटरूम में ओपन करेंगे। तो हमने ये अपनी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन कर लिए। अब हम इसको मतलब ऑटो पे क्लिक कर देंगे। ये वाला जो इमेज गैलरी का जो आइकन है, हम वापस इसको क्लिक करेंगे। ये करने के बाद ये मतलब ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगा। ये हो गया जैसे कि ये। अब हम थोड़ी सी इसको शेडो मतलब 38 तो हम 24 कर लेंगे। अब हम इसके मतलब कलर पे जाएंगे। कलर में हम टेम्परेचर इसका डिक्रीज करेंगे। हाँ, अब यहाँ से इसको मतलब कलर पे जाने के बाद मतलब इसको सब थोड़ा ब्राइट करेंगे। फेस को ऑरेंज कलर में जाना है। अब येलो कलर की सेचुरेशन हमें -100 करनी है। अब यहाँ से इसको डन करेंगे। डन करने के बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इसका टेक्सचर इंक्रीज करेंगे, क्लियरिटी भी इंक्रीज करेंगे। विगनेट हम -50 रखेंगे। हाँ, अब मतलब बोले तो अब इसके शार्पिंग करेंगे इस फोटो को 80। नॉइज रिड्यूशन बढ़ाएंगे, कलर नॉइज रिड्यूशन भी बढ़ाएंगे। ये सब बढ़िया। हाँ, अब मतलब पिक्सआर्ट में ऐसी थी, वो लाइट रूम में आने के बाद ऐसी हो गई।
अब तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।